हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फिफ्थ की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल ब्यूटी। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों रियल ब्यूटी के बारे में हम लोगों ने कहानी को पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक ब्यूटी होती है, एक राजकुमारी होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है, और उसे अपने खूबसूरती पर बहुत ही घमंड होता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में उससे सुंदर और कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रेंज वॉइस आती है जो उसका भ्रम तोड़ देती है। उसने तीन चीज़ों को ऐसे नाम बताया जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिल रही थी कि इस दुनिया में शांति तभी मिलेगी आपको जब आप दूसरों का भला करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे। ये बात उस राजकुमारी को भी समझ में आ गई थी कि इस दुनिया में अगर आपको शांति चाहिए, काइंड बनना पड़ेगा आपको, और आपको लोगों की मदद करनी होगी। उससे अच्छी खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। बात समझ आए बच्चों? तो बच्चों, आप अपना बुक ओपन कर लीजिए और हम कहानी को रीड करेंगे, उसे स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आप अपना ये बुक ओपन करेंगे, ठीक है, आपके पास बुक होगा, और बच्चों पेज नंबर 11 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 11 पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इसके पीछे ये कवर दिखेगा आपको। तो बच्चों, पेज नंबर 11 पर जब आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर डी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, उसके पीछे हमें नहीं जाना है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ई लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, या फिर सेंटेंस लिखा हुआ, शायद सेंटेंस कर लो यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो बच्चों स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा, मतलब कि पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो फिल करना है, लिखा हुआ है एवरी मॉर्निंग एलिना लुक्ड इनटू द हर मिरर एंड सेड, प्रत्येक सुबह एलिना अपने मिरर में देखती थी और कहती थी, क्या कहती थी, देयर इज नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम। जहाँ पर मतलब कि यहाँ पर इतना सुंदर कोई नहीं है जितना कि मैं हूँ, यही बात तो कहती थी। तो बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके आपको जो फिल करना है केवल वही लिखवाऊंगा, ठीक है। आप बाकी चीज़ें खुद ही लिखेंगे कॉपी पर, बात समझ आ गई। और आप, मुझे लगता है पेन का भी यूज करते होंगे, पेन का यूज करते होंगे। तो बच्चों, जो क्वेश्चन है जो इसमें दिया हुआ है वो आप दूसरे कलर से लिखिएगा, जो मैं आपको उसका आंसर लिख रहा हूँ, जो फिल करना है वो आप ब्लू कलर से लिखिएगा, या फिर किसी और कलर से लिखिएगा। ब्लू कलर से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो जो फिल करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो मैं लिखवा रहा हूँ। पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एवरी मॉर्निंग एलिना लुड इन टू हर मिरर एंड सेड कॉमा एपोस्ट्रॉफी कॉमा पॉस्ट्रॉफी नहीं ये डबल इन्वर्टेड कॉमा देयर्स उसके बाद जो लिखना है देयर्स के बाद, उसके बाद मैं लिखवा रहा हूँ आपको, वो लिखना है, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, वो कहती थी नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम, नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम। क्या कहती थी बच्चों, देर इज नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम, लिख लो बच्चों। फर्स्ट का लिखो देयर्स लिखा हुआ बच्चों, देयर्स नहीं लिख रहा हूँ, नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम, ठीक, फुल स्टॉप, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक बच्चों। ये आपको फिल करके लिख लेना है, ठीक है बच्चों। ये फुल स्टॉप अंदर लिखने वाले बच्चों। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है और हमें इसका सलूशन कैसे लिखना है, ठीक है। लिखा है एलिना हर्ड ए स्ट्रेंज वॉइस सेइंग, लिखा हुआ है एलिना हर्ड ए स्ट्रेंज वॉइस बाय सेइंग।
कहते हुए उसने एक स्ट्रेंज वॉइस को सुना। क्या सुना था, लिख लेना इसको भी, इसको भी लिखेंगे बच्चों, क्या सुना था उसने, ओ प्रिंसेस तक लिखना है, लिखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आवाज़ क्या कह रही थी बच्चों, कह रही थी डोंट बी प्राउड ऑफ योर प्राउड ऑफ योर बेटी, ओ प्रिंसेस, ओ प्रिंसेस बच्चे लिखा हुआ है, ठीक है, ओ प्रिंसेस मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल आपके लिए, ओ प्रिंसेस, ये ओ प्रिंसेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये बात ध्यान देना, ये साइन ऑफ इंटरजेक्शन है, ओके बच्चों, ओ प्रिंसेस, ठीक, यहीं पर बच्चों ओवर कर दिया गया है, तो यहीं पर हम भी ओवर कर देते हैं। बच्चों ये चीज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है, आपको राइट इतना करना ब्लू पेन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या कर रहा है, अरे थ्री सही से बन जा, ठीक, क्वेश्चन नंबर थ्री चेक करो, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो बच्चों, सारी चीज़ें आपके बुक में ही है, मुझे भी बुक में ही देख के लिखना है, लेकिन आप खोज नहीं पाते इसलिए मुझे खोजना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री पर जाओ, एलिना रिटर्न्ड, ठीक है, एलिना रिटर्न्ड, क्या होगा इसके बाद, एलिना रिटर्न, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे एलिना रिटर्न एंग्रीली, गुस्से में वापस लौटी, ANGRILY, एंग्रीली, इनटू द पैलेस, PALACE, पैलेस मतलब बच्चों महल, महल में वो वापस लौटी, ठीक है, महल में वो वापस गुस्से में लौटी। क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर मैं अब लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर लिखा हुआ है, एलिना वेंट टू द पूल अगेन एंड लुक्ड इनटू द वाटर एंड देयर सी सॉ द स्टार शाइनिंग। लिखेंगे सी लुक्ड के बाद लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर में, सॉरी बच्चों में से गलती हुई थी, उसको सही कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखेंगे सी लुक्ड, उसके बाद लिखेंगे इनटू द वाटर एंड देयर सी सॉ द स्टार्स शाइनिंग ब्यूटीफुली, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव में बच्चों क्या करना है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार ताकि आपको दिक्कत ना हो, वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फोर को भूल जाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी तो सकता है मैं वीडियो में कट भी कर दूंगा उसको जो गलती हुई थी। क्वेश्चन नंबर फाइव में फिर से लिख दे रहा हूँ, एलिना टुक द बेगर गर्ल इनटू द पैलेस, एलिना ने जो लड़की बेगर गर्ल थी उसको पैलेस में ले आया और क्या किया, गेव हर फूड, उसे क्या दिया बच्चों, उसे फूड दिया, क्या दिया, गेव हर फूड। क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखेंगे बच्चों, एंड गेव हर फूड, क्या लिखेंगे, गेव हर फूड, ओके, कमा क्लॉथ, उसे कपड़े दिए, एंड सम मनी, उसे कुछ पैसे भी दिए, ठीक है बच्चों, इसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अब सिक्स पे आ जाओ बच्चों, जो गलती हुई थी बच्चों मैं उसे वीडियो में कट कर दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप केवल क्वेश्चन नंबर
वहाँ पर 3 तक लिखिएगा। जब इसके पहले जब मैंने डिलीट किया था तो क्वेश्चन नंबर आप केवल 3 तक लिखेंगे, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को आप राइट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो लिखा हुआ द पुअर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द सिटी स्टार्टेड क्या स्टार्ट कर दिया बच्चों, जो नौ गरीब लोग थे, औरतें थीं और बच्चे थे उस शहर के, उसने क्या किया, द सिटी स्टार्टेड कॉलिंग हर, 6 में कहेंगे कॉलिंग, CALLING कॉलिंग हर द काइंड प्रिंसेस, द काइंड प्रिंसेस, PRINCESS प्रिंसेस। ओके बच्चों, बात समझ आ गया आपके, इसे आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब मैंने डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यानी कि अब हमें राइटिंग टाइम पे आना है। क्वेश्चन नंबर F पे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर F देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर F कह रहा है आंसर द फॉलोइंग। अब हमको राइटिंग करना है आंसर द फॉलोइंग FOLLOWING आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है व्हाट डिड द स्ट्रेंज वॉइस Say to Elena one day, एक दिन उस स्ट्रेंज वॉइस ने एलिना से क्या कहा, इसका आंसर बच्चों हम राइट करेंगे यहाँ पर, इसका आंसर लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे द स्ट्रेंज वॉइस सेड टू एलिना दैट सी शुड नॉट She should not proud of her beauty, There are many things. More beautiful than her in this world। बच्चों इसको वॉच करना पड़ेगा आपको, there were WERE there were many things more beautiful
इसको जो यहाँ पे लिखिए, सी शुड नॉट बी, सी शुड नॉट बी, ग्रामेटिकली बच्चों सही होना चाहिए, सी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, देर वर मैनी थिंग्स मोर ब्यूटीफुल देन हर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कुछ समझ की फेर हो सकती है इसमें, क्या फेर हो सकती है, कोई कह सकता है यहाँ पे देर आर क्यों नहीं लगाया कि देर, लेकिन बच्चों ये बात सेंटेंस पास्ट की है और इसको हमने इनडायरेक्ट करने की कोशिश की है, बात समझ में आ गई। ठीक है तो बच्चों इसलिए यहाँ पे वर लगाना भी सही है, आर भी सही हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं है। चलो नोट कर लो अभी से जल्दी से। चलो बच्चों मैं डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू पर मूव कर जाते हैं जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर एफ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है बच्चों, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर टू लिखो क्या कह रहा है। कह रहा है वाई वॉज एलिना नॉट हैप्पी, वाई वॉज एलिना नॉट हैप्पी, एलिना खुश क्यों नहीं थी, एलिना खुश क्यों नहीं थी, इसका आंसर लिखेंगे। लिखेंगे एलिना वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज देयर वर मैनी थिंग्स मोर ब्यूटीफुल देन सी, मोर ब्यूटिफुल देन सी। ठीक है अब बच्चों देन सी क्यों लगा है ये आप जब बात बड़े हो जाओगे तब समझोगे कि कंपेरिजन हमको यहाँ पे सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का कंपेरिजन यहाँ पर है, इसलिए हमें यहाँ पे सी लगना पड़ता है, तो हर लगा देते हैं। ठीक है तो बच्चों अभी आपके लिए मैटर नहीं है, जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, फिलहाल अभी आपको समझना भी नहीं है ये चीज़, आप जैसे है वैसे नोट कर लीजिए। एलिना खुश क्यों नहीं थी, क्योंकि उसको पता चला कि दुनिया में और भी चीज़ें हैं जो उससे खूबसूरत हैं, इसलिए वो दुखी हो चुकी थी। अब आ जाएंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थ्री पर, आप इसे नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री पर हम मूव करते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाओ, नोट करो क्वेश्चन नंबर थ्री, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाओ। व्हाट वर द थ्री थिंग्स मोर ब्यूटीफुल देन एलिना। ठीक आंसर लिखेंगे इसका। तीन चीजें क्या थी जो एलिना से ये सुंदर थी, क्या क्या चीज थे बच्चों, लिखेंगे ए लोटस फ्लावर, शाइनिंग स्टार्स एंड बेगर गर्ल। ए लोटस मतलब बच्चों कमल, ए लोटस फ्लावर कामा
शाइनिंग स्टार्स एस एच आई एन आई एन जी शाइनिंग स्टार्स चमकते हुए तारे एंड द बिगर गर्ल एंड द बिगर गर्ल बिगर बी ई जी ई ई आर बी ई जी ई आर बिगर गर्ल बिगर गर्ल इसका स्पेलिंग लिखें बच्चों द बिगर बिगर गर्ल वर मोर ब्यूटी फुल देन एलिना मोर ब्यूटीफुल देन एलिना। बच्चों आपको बात समझ आई, इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चों, जल्दी से नोट कर लो इसे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं, उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सॉल्व हो पाता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट डिड द स्ट्रेंज वॉइस व्हाट डिड द स्ट्रेंज वॉइस टेल अबाउट द टेल अबाउट द ब्लाइंड गर्ल अबाउट द ब्लाइंड गर्ल टू एलिना। स्ट्रेंज वॉइस ने एलिनो को उस बिगर गर्ल के बारे में क्या बताया था, इसका आंसर लिखेंगे। उसने उस लड़की को बताया था बच्चों, क्या बताया था, लिखेंगे इसका आंसर। द स्ट्रेंज वॉइस टोल्ड टू एलिना दैट द स्ट्रेंज वॉइस द स्ट्रेंज वॉइस टोल्ड टू एलिना दैट टोल्ड टू एलिना दैट ब्लाइंड गर्ल्स फेस इज मोर ब्यूटीफुल देन हर that blind girl's face is more beautiful than इसको लिखेंगे एच ई आर एस हर्स, ठीक है, क्या लिखेंगे हर्स, ठीक है। हर्स का क्या मतलब होगा, हर फेस किसका, एलिना का फेस, उस लड़की का जो फेस है एलिना के फेस से सुंदर है, ठीक है। और क्या बताया था बच्चों, और बताया था हर फादर इज वेरी ओल्ड, और क्या बताया था बच्चों, हर फादर FATHE हर फादर इज वेरी ओल्ड उसके पिताजी बहुत गरीब हैं,
हर फादर इज वेरी ओल्ड। एंड मदर इज वेरी इल, इसको खत्म मत करो सेंटेंस चो। एंड हर मदर इज वेरी इल, उसकी मम्मी बहुत बीमार है। दिस पुअर गर्ल बेग्स बेग्स डोर टू डोर ऑल डे लॉन्ग ऑल डे लॉन्ग इन दिस वे सी गेट्स फूड बस बच्चों यहीं तक लेके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंटेंस को बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों इसे नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट आंसर लिखूँगा। बच्चों 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि आपको मेरी हर एक बात समझ में आती रहे। जब भी बच्चों आप कोई मेरा वीडियो देखते हैं तो उसके जस्ट पहले का वीडियो आप ज़रूर देख के आया करें, क्योंकि बच्चों ये जो क्लास है वो पिछले क्लास से रिलेटेड होती है। तो जब तक आपको उस क्लास की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तब तक आप इस क्लास को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।